ठीक है, और हमने खाया छोले कुलचे, और शायद मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट छोले कुलचे खाए अभी तक। सबसे इतना, बेस्ट हाँ सबसे बेस्ट। पोपट कट गया तो योग भाई के उम्मीदों पे भी पानी फिर गया यार। हम लोग के दोनों उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। हम आज जो भी चीज करने जा रहे हैं ना भाई, सारी उम्मीदों पे अनसक्सेसफुल हो रहा है, सर। है ना? आज कुछ ना, हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर हैं। हाँ। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लोग बाग उन्हें ज्यादा भाव देते हैं, उनका नाम सुन के कहते हैं हाँ भाई आओ आओ। हाँ। अब हम सब है, हमारा भी मार्केट में इतना रिस्पॉन्स नहीं है, तो लोग बाग भी ज्यादा सोचता है ठलुआ होगा, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। अभी पे 21,000 रुपए की चाउमीन खाने जा रहे हैं हम। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हो भाइयों में मस्त हो गए, और अभी आपका भाई और साथ में हमारे विवेक भाई भाई दोनों जने आ चुके हैं। और आज हम फिलहाल तो गाड़ी में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठंडी ठंडी एसी की हवा मार रहे हैं दोनों भाई। कैसा लग रहा है विवेक भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस काम के लिए निकले थे वो तो बता दो। जिस काम के लिए निकले थे वो काम थोड़ा सा अटक गया, लेकिन बहुत ही जल्द अच्छा, उससे भी अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे यार। कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखाएंगे। ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ अच्छा करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। चलो जल्दी करेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी भी कुछ फैन फॉलोइंग होगी, तो ऑब्वियसली भाई कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहेंगे। अभी हम ना छोटे मोटे से यूट्यूबर हैं, तो भाई कहीं ना कहीं हमारा ना इस चीज में नाम थोड़ा पीछे रह जाता है। भाव भी नहीं देते ना भाई, लिस्ट में हमारा नाम ना पीछे रह जाता है भाई। हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर हैं। हाँ। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लोग बाग उन्हें ज्यादा भाव देते हैं, उनका नाम सुन के कहते हैं हाँ भाई आओ आओ। हाँ। अब हम सब है, हमारा भी मार्केट में इतना रिस्पॉन्स नहीं है, तो लोग बाग भी ज्यादा सोचता है ठलुआ होगा, कोई मेहनत नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन रियलिटी तो आप लोग को पता है, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। हमारे चैनल पर जो कुछ भी वीडियो मिलेगी आप लोग को, कितने हटके मिलेगी, हटके मिलेगी, अच्छे कॉन्टेंट की मिलेगी। कोई फर्जी कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो हम लोग नहीं बनाते। हम लोग के चैनल पे मतलब ये नहीं है कि दूसरों के तरीके से कंट्रोवर्सी वीडियो बना के अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, व्यूज बढ़ा के पैसे कमाना, वो मतलब नहीं है। हफ्ते में चाहे एक वीडियो आए, महीने में एक वीडियो आए, लेकिन आएगी सिर्फ काम की वीडियो, फर्जी वीडियो से मतलब नहीं है अपने को। बाकी चलते हैं हम लोग, हमारे विधान भाई कहीं पर लेके जा रहे हैं, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ। आज मैं विवेक भाई से पूछूंगा, मैं एक ही ना बहुत ही बेहतरीन कुछ खिलाने लेकर जा रहा हूँ, रिव्यू भी आएगा उसका, खाने के बाद रिव्यू देंगे। हमारे भाई का कहना है कि हम लोग जा रहे हैं पूरे इंडिया की पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट नूडल्स खाने, जो कि वहाँ पर नूडल्स हैं, बहुत सारे टाइप्स के नूडल्स होंगे चाउमीन में। आप देखते हैं वहाँ पर क्या खाते हैं, और रिस्पांस देखेंगे कैसा रहेगा, क्योंकि भाई ने भी बताया कि उनका यूट्यूब चैनल भी और ऑल इंडिया चैलेंज पकड़ो। इधर से मैं बताता हूँ। तो ऑब्वियसली आज मैं विवेक भाई को लेकर जा रहा हूँ एक बढ़िया से नूडल्स खिलाने, और वो नूडल्स ऐसे होने वाले कि भाई 21,000 रुपए का ओपन चैलेंज है भाई की तरफ से, अगर आपने उससे बढ़िया चाउमीन बनाकर खिला दी, ओपन चैलेंज है भाई, वो बिल्कुल देगा। और इसलिए है ये चीज, और रियलिटी में है, आप एक बार ट्राई करिए आकर, और बैठकर भाई देखिए खा कर भाई, मैं तो भाई मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मैं बहुत दिन बाद जा रहा हूँ। पर जा ये देखो यूट्यूब पर उस भाई का चैनल भी है नूडल्स किंग के नाम से। हम लोग जा रहे हैं अभी पे 21,000 रुपए की चाउमीन खाने जा रहे हैं हम, खा कर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। 21,000 की 21,000 की चाउमीन भाई, बहुत बहुत तगड़े होने वाली है आज। विवेक भाई का बिल्कुल रिव्यू डालेंगे कि इनको नूडल्स कैसे लगे, क्योंकि हमारे भाई ने बोला है खाने का तो खाने का। हाँ। क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैं ऐसी चाउमीन आपको खिलाऊंगा जो इंडिया में सबसे बेस्ट होगी, तो वैसे तो खाए तो मैंने बहुत है, लेकिन देख लेता हूँ आज क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। बाकी चल रहे हैं भाई, देखते हैं। तो भाई फिलहाल में पहुंच चुके हम रावली गाँव, और अब हम दिखाएंगे आपको वो नूडल किंग की दुकान। टाइम लगभग क्या हो चुका है, भाई खुली होगी, ऑब्वियसली खुली होगी, और हमारा भाई भी यहीं पे होगा, तो देखते हैं भाई से भी मुलाकात करते हैं, और आप सबको भी दिखाते हैं, और बेहतरीन सी नूडल्स अपने भाई को खिलवाते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस रहने वाला है। एंड मुझे तो पता है ऑब्वियसली भाई देखो अच्छा ही जाना है, क्योंकि तुम्हारे भाई तो चट्टू है ना, चट्टू भाई मैं बहुत बड़ा चट्टू हूँ, मैं इधर से उधर दुकान ढूंढता फिरता हूँ कि कौन अच्छा क्या दे सकता है। मैं आप विश्वास नहीं करोगे, आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या चीज खाता हूँ, और वो भी अलग तरीके की। चलो यहाँ की नूडल किंग्स पहुंच चुके हैं हम, नूडल्स किंग पे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं कहीं साइड में, और फटाफट चलते हैं, अभी तो शायद भाई भी नहीं है, देखते हैं। पोपट कट गया तो भाई के उम्मीदों पे भी पानी फिर गया यार। हम लोग के दोनों उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। हम आज जो भी चीज करने जा रहे हैं ना भाई, सारी उम्मीदों पे अनसक्सेसफुल हो रहा है, सर। है ना? आज कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है।
तो अब हमें वापस ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ठीक नहीं है। हम यहाँ पे आए थे नूडल किंग ऑफ इंडिया, लेकिन जो इस भाई से हमें चाउमीन खानी थी वो भाई नहीं है, यानी भाई तो बना रहा है लेकिन हमें कहीं ना कहीं उस भाई से खानी थी जो ऑब्वियसली बनाते हैं। आपने चैनल पे देखा होगा, अगर बहुत सारे भाई जानते हैं यहाँ के नूडल किंग को, तो भाई हमें उनके हाथ की खानी थी, वो कहीं ना कहीं मिलते बेस्ट बात बात होती उनसे। नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगा, अभी शायद हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम बनेगा तो ऑब्वियसली विवेक भाई को खिलवा के ज़रूर लेकर जाऊँगा, शायद कैसे भी घुमा के खिलवा कर लेकर जाऊँ, पर आज भैया लग गए, आज हमारे दोनों काम अनसक्सेसफुल रहे। अब हमें वापस गाड़ी मोड़ के और वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या ही बताएं भाई, कभी कभी आप कहते हैं ना दिन ऐसा होता है कि आपका साथ नहीं देता, तो आज हमारे साथ वही हो रहा है। हम दो काम करने निकले, दोनों में से एक में भी हम कामयाब नहीं हुए। चलो घुमाते हैं गाड़ी और चलते हैं वापस। तो भाई अभी मैंने विवेक भाई को कुछ खिलवाया है और कुछ बेस्ट ही खिलवाया है ऑब्वियसली, क्योंकि हम चाउमीन की दुकान पर गए, वहाँ पर हमारे साथ पोपट हो गया। लेकिन मैंने जो भी खिलवाया विवेक भाई से एक बार पूछते हैं, विवेक भाई कैसा लगा खाने में? भाई कुछ भी क्या खिलवाया, पब्लिक को बता दो क्या खिलवाया, जिसे पता रहे मैं बता देता हूँ। बताओ बताओ। हमारे भैया ने हमको जो दिल्ली के तरीके से गाजियाबाद है, मतलब दिल्ली NCR में देखा जाए नाश्तों का मामले में सबसे बेस्ट चीज़ छोले कुलचे माने जाते हैं, ठीक है, और हमने खाए छोले कुलचे, और शायद मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट छोले कुलचे खाए अभी तक। हाँ सबसे बेस्ट, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट छोले कुलचे था। हमने वीडियो कवर नहीं करी थोड़ा सा जानबूझ के, क्योंकि फैमिली वाले देखते थे, फिर फैमिली वाले बोलते हाँ भाई वहाँ पे गए यार हमारे लिए नहीं की। हाँ तो वैसे भाई सच में हमारे भैया की चॉइस बहुत अच्छी है, जिस हिसाब से इन्होंने खिलाया लग रहा था कि अगर हम वहाँ की चाउमीन खाते तो पक्का बहुत अच्छी होने वाली थी। क्वालिटी वाइज कैसे थे? क्वालिटी बहुत अच्छी थी, अपनी लाइफ में बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने छोले कुलचे खाए, एकदम प्योर अमूल बटर के अंदर बने हुए और छोले अच्छी क्वांटिटी में, और मतलब स्वाद एकदम ऐसा नहीं लग रहा था जैसे बहुत सा होता है सिर्फ छोले उबाल दिए उसमें थोड़े से मसाले डाल दिए और जो कुलचा होता है नॉर्मल वो लंबे वाले कुलचे, ऐसा नहीं था, बहुत अच्छी क्वालिटी का कुलचा। और बहुत और आपके वाले जो थे वो तो ऐसे थे कि मुंह में रखते के साथ ही। हाँ मेरे वाले तो हम दोनों ने थोड़े से अलग अलग, इन्होंने थोड़े हैवी वाले खाए मैंने थोड़े सॉफ्ट, तो भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। और अब हम लोग जा रहे हैं घर पर, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है आज, क्योंकि आज हमारे एंजॉय कर लिया, आज का हमारे लिए ये था कि भाई से मिलना था और एंजॉय करना था, थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड हो गया और हमने थोड़ा सा ये एंजॉय किया है। और अब चलेंगे हम लोग घर की तरफ, भैया भी जाएंगे घर और मैं भी निकलूंगा घर पे। हमारी तो मुलाकात अब जल्द जल्द होती रहेगी क्योंकि मुझे लगता है लगातार मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मिलने में और हम लोग मिलते ही रहेंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड, मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, आईफोन से आने वाला है। कल भाई का आईफोन आ रहा है तो सब लोग बस आईफोन का वेट करो और आईफोन के लिए पैसे भेज दो। आईफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो आनी चाहिए, और कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो कल बहुत अच्छा दिन है जिस वजह से भाई हमारे कल ही परचेज करेंगे फोन। हो सकता है कि तो आज भी अच्छा दिन है, वैसे तो मावस है, तो अगर आप इस वीडियो का आज ही अपलोड कर रहे हो तो सभी भाई कमेंट में आज 2 तारीख है, आप लोग को बता देता हूँ 2 तारीख को हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, और अगर आज ये वीडियो अपलोड होती है तो कमेंट आप लोग करके बताना कि हमारे कपिल भैया कौन सा फ़ोन लें जो व्लॉगिंग के लिए अच्छा रहेगा, वीडियो क्वालिटी के हिसाब से अच्छा रहेगा, बाकी जो आप लोग कमेंट कर दोगे वो फ़ोन आ जाएगा। और हो सकता है जितने आप वीडियो देख रहे हो सकता है इतने आ गया हो। अगर ये वीडियो लेट आएगी तो नहीं आएगी, आज ही आएगी, ऑब्वियसली आ जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।